हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा दसवीं विज्ञान का मॉडल पेपर 2024, जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से पेपर को हल करना और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 75 नंबर का पूरा पेपर है, 23 प्रश्न रहेंगे और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में ही रहेगा। चलिए बच्चों, तो हाई स्कूल परीक्षा के लिए 2023-24 के लिए इस पेपर का हम पूरा हल देख लेते हैं। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, इससे पहले मैं आपको हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, ये रहा विज्ञान का, सभी पेपरों का सोल्यूशन करवा चुका हूँ बच्चों। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप वे वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे अपने जितने भी हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि वार्षिक परीक्षा में आप धूम मचा कर आएँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो लाया जाएगा, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन को ऑल पर कर लो, जिससे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अभिकारक। क्वेश्चन नंबर दो, Ap2O3+2Al अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, तो ये जो उपरोक्त अभिक्रिया किसका प्रकार है? तो ये जो अभिक्रिया का प्रकार है, ये है विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से माफ्टर ग्रंथि है, यहाँ पर नीचे कुछ ग्रंथियों का नाम लिखा है, तो बताइए इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है वो माफ्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो माफ्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है वो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सॉरी ऑक्सीजन नहीं होगा इसमें, इसमें आपका होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें होगा आयनों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वो होगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दो, जो खालिस्तान के रूप में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न, दूसरे का पहला, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है, तो इसे कहते हैं हम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसे कहते हैं। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए की परत लगाई जाती है? किसकी परत लगाई जाती है? जिंक की। नंबर 4, वे सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है कहते हैं, तो इसे जो कहते हैं वो कहते हैं बच्चों, चौथे में आ जाएगा सक्रियता श्रेणी। किस श्रेणी में रखा जाता है? सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसमें इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 5वां, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा इसे कहा जाता है, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, लास्ट वाला, ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन, मीथेन आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हम देखेंगे, उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम सत्य फत्य देखेंगे, पुरुषों में एक्स एक्स
लिंग गुण सूत्र होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफत्य। पहला आपका होगा सत्य, क्योंकि पुरुषों में जो होता है एक्स वाई होता है। उत्तल लेंस को अब सारे लेंस भी कहते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा आपका? अफत्य हो जाएगा। दोनों क्या हो गए? असत्य हो गए। तीसरा, फूल पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सत्य लिखेंगे आप। नंबर चार, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, तो यह भी क्या होगा? सत्य होगा। और जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो बच्चों, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कैसे कहला सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? सत्य होगा, ये असत्य। और प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी आपका असत्य होगा, ये भी आपका सत्य है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा हो चुका है हमारा, चौथा जोड़ी के रूप में देखेंगे हम बच्चों। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 80 dB, तो 80 dB को आप जो मिलाओगे बच्चों वो मिलाओगे ध्वनि प्रदूषण। 80 dB यदि ध्वनि है तो फिर वो क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। 180 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण। और अजैव घटक, तो अजैव घटक में जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे वायु मृदा जल। और 25 सेंटीमीटर को मिलाओगे आप बच्चों, इसको आप मिलाना है, इसके नीचे देख लेते हैं और है क्या ऑप्शन, हाँ 25 सेंटीमीटर को मिलाओगे नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी। और परपोषी को आप मिलाओगे बच्चों मानव से। और निकट दृष्टि दोष, इसको आप मिलाओगे बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले अपनी जोड़ी देखेंगे और उसके बाद में एक शब्द उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। बच्चों बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। जो भी दोस्त हमारे जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सभी कमेंट में लिख देंगे कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नों निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। जैसे जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा बड़ी आंत। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिए हाथ में और इसका आंसर लिख लीजिए, बड़ी आंत। मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है, तो ये जो धारा होती है वो होती है रासायनिक धारा होती है। अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, दोस्तों यहाँ पर रासायनिक धारा आप लिख लीजिएगा और विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। अगला क्वेश्चन चौथा, यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए, तो यकृत से जो रस निकलता है उसका नाम होता है पित्त रस। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए, तो ये होता है संवहन का माध्यम रक्त होता है। पांचवे का आंसर रक्त होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम लिखिए, तो इस युक्ति का नाम होता है चुंबकीय सुई। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर लगा लीजिएगा। जो दो दो नंबर के और तीन तीन नंबर के और चार नंबर के प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न हैं ये जो हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर आप को प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि आप अच्छे से इन प्रश्नों का रिवीजन करिए, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो पूरा क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका। अगर इनमें किसी प्रश्न का आंसर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहाँ पर जुड़ने के बाद आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको डाल दिए जाएंगे, उसमें से डाउनलोड करके
आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है बच्चों, जिसका आंसर सहित आपको हमने बताया है। अगर इनमें से भी 6 से लेकर 23 तक भी आपको किसी भी प्रश्न की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, और इसी प्रकार आपको आगे भी हम तैयारी करवाते रहेंगे। सभी पेपरों के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा हो सके। तो शेयर कर दीजिएगा, और जाते जाते अपना नाम और कहाँ से इस वीडियो को आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख जाइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।